सिर्फ सच। कोरोना से बचने के लिए शासन ने चाहे जो भी नियम कायदे बनाए हों, जबलपुर में उन्हें ताक में रखना बेहद आम बात हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही शासन द्वारा शादी रिसेप्शन जैसे आयोजनों के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जबलपुर के होटल संचालक इसका पालन करने में अपनी तौहीन समझते हैं। जरा इस नज़ारे को गौर से देखिए। शहर के नामचीन होटलों में शामिल विजन महल होटल में रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पार्टी में शामिल लोगों के चेहरे पर न मास्क नजर आएगा और सारा कोविड का प्रोटोकॉल धरा का धरा नजर आएगा। फिर अचानक यहाँ कुछ लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंच जाते हैं और फिर हंगामा हो जाता है। दरअसल ये विवाद फूफा या किसी रिश्तेदार के रूठने से नहीं हुआ, बल्कि शहर के टेंट हाउस संचालक यहाँ पहुंचे और सारे समारोह की वीडियोग्राफी करने लगे। बिना इजाजत उन्हें ऐसा करते देख मेजबानों का पारा चढ़ गया और फिर मारपीट, गाली गलौज समेत धक्का मुक्की का दौर चला। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि हंगामा किस हद तक पहुंच गया था। चलिए आपको हंगामे की असल वजह बता देते हैं। दरअसल शहर के टेंट हाउस संचालकों को शिकायत है कि शादी रिसेप्शन जैसे उनके द्वारा आयोजित होने वाले समारोहों में पुलिस और प्रशासन बेहद सख्ती बरतता है। यहाँ कोविड के प्रोटोकॉल उनसे सख्ती से पालन कराए जाते हैं और जरा सी चूक होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की गाज गिराई जाती है। हाँ, अगर आलीशान होटलों में ऐसे कार्यक्रम हो तो प्रशासन वहाँ आंखें मूंद लेता है। इन होटलों में सारे प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखा दिया जाता है। विजन महल में भी वे वहाँ आयोजित समारोह की हकीकत अपने कैमरे में कैद करने पहुँचे थे और यह बवाल हो गया। इधर होटल के मैनेजर की शिकायत पर करीब 2 दर्जन टेंट संचालकों पर बलवा समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये विगत शनिवार के करीब शाम की घटना है। ये विजन महल में एक शादी का रिसेप्शन चल रहा था। उस दौरान कुछ टेंट व्यवसायी करीब 15-20 की संख्या बताई जा रही है वहाँ पर रिसेप्शन कक्ष में गए और वहाँ पर वो जो पार्टी चल रही थी उसकी फ़ोटो लेने लगे। इस पर रिसेप्शन वालों ने आपत्ति जताई और उसके बाद वहाँ पर होटल के कर्मचारी भी आ गए। उन लोगों ने आपत्ति जताई तो इन लोगों में आपस में विवाद हुआ। विवाद होने की सूचना मिलने पर वहाँ पर गोरा बाजार की थाने की पुलिस पहुँच गई थी, जिन्होंने उनको अलग अलग किया और बाद में उनको थाने लेकर आए थे। इस दौरान विवाद के दौरान ये बताया गया कि जो लोग गए थे वहाँ पर टेंट व्यवसायी, उन्होंने कुछ तोड़फोड़ भी वहाँ पर किया। विजन महल के जो मैनेजर हैं मोहित उपाध्याय, उनकी रिपोर्ट पर थाना गोरा बाजार में जो टेंट व्यवसायी वहाँ पर गए हुए थे उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शहर के नामचीन होटलों द्वारा कोविड काल में प्रोटोकॉल तोड़ना कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं जहां जरूरत से ज्यादा लोग आयोजनों में शरीक हुए। इधर पुलिस के पास दलील है कि होटल संचालकों के साथ मीटिंग कर उन्हें सारे नियम कायदों की जानकारी दी जाती है, लेकिन यह भी सच है कि पुलिस का डंडा ऐसे मामलों में कमजोरों पर चलता है। बड़े राजनेताओं और समाज में रसूख रखने वालों से संबंध पाले होटल संचालकों पर कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति ही होती है। कैमरामैन अजय सिंह ठाकुर के साथ भास्कर दुबे, द त्रिकाल मीडिया के लिए। सिर्फ सच।